को प्योरीफाई कैसे करना है, वो उसके अलग अलग मेथड्स देखेंगे। कुछ मेथड्स तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, उसका बस एक लाइव डेमो देखने वाले हो, बस और कुछ नहीं। ठीक है बच्चे, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फिल्ट्रेशन, नॉर्मल फिल्ट्रेशन। यू आर गोइंग टू स्टडी समथिंग न्यू कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन अंडर वैक्यूम। यू आर गोइंग टू स्टडी समथिंग विच यू नो ऑलरेडी, समथिंग कॉल्ड एज डिस्टिलेशन। सुना है डिस्टिलेशन कभी? यस अगर आपने कभी गुजरात वाली लाइन पे ट्रेवल करके नॉर्थ गए होंगे ना, तो आपने काफी सारे सॉल्ट पैन्स देखे होंगे। ठीक है, तो व्हेन आई टॉक अबाउट सॉल्ट पैन्स, आपने देखा है समुद्र का पानी ना ऐसे बड़े बड़े सॉल्ट पैन्स में, माय वीडियो इज ऑन, बड़े बड़े सॉल्ट पैन्स क्या बोलते हैं होते हैं वहां पे, स्क्वायर होता है जहाँ पे पानी कलेक्ट होता है, फिर वो पानी एवेपोरेट हो जाता है और वहां पे सॉल्ट का ऐसे हीप लग जाता है। एनीबॉडी हैज एवर सीन आई यूज्ड टू सी इट व्हेन आई वाज अ किड, जब हम लोग वो गुजरात वाली लाइन से नॉर्थ जाते थे तो वहां पे बहुत सारे सॉल्ट पैन्स दिखते थे। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑल हैव सीन दिस, but that is what is very similar to crystallization. We are going to see crystallization also kaise hota hai now. Then other thing is separation of mixtures by mixing and moving. theek hai, aaj kya tarikh hai? aaj 8 tarikh hai, happy women's day Madhuri madam and Pratibha madam. theek hai, not to the girls, you are not women yet, you are only girls, so happy girls day. boys log ke liye to din aata aake chala bhi jata hai, kisi ko pata hi nahi chalta hai. कोई बात नहीं बेटा। Yes. Didn't a single. Can you see it in the full screen mode or like a very small thing? Full screen. Full screen. नहीं नहीं, वीडियो पूरा दिख रहा है कि उसके पीछे का डाउनलोड्स भी दिख रहा है आपको? पूरा दिख रहा है। पूरा दिख रहा है। अभी दिख रहा है क्लियरली? Yes. अच्छा, fine, ठीक है। So guys, एकदम बिगिनिंग में, we are going to study about filtration, ठीक है? So this boy, we are going to give him a name. His name is Kiska Namdu. Is Kekane. Kekane, are you there in the lecture? Yes, sir. Haan, he looks like you, beta. So I am giving him your name. Hey, bhai, wo band ho gaya. Ulte side pe lagao. Aise. Haan. Thank you. Sir, video nahi chal raha. Kya bol rahe, beta? Video nahi chal raha. Aisa bol rahe ho? हाँ अभी चलेगा। हाँ तुमको वीडियो का आवाज आ रहा है कि नहीं वो बताना मुझे, तुमको आवाज आ रहा है वीडियो का? नहीं चालू ही नहीं हुआ अभी। रुक जा भाई, रुक जा, चालू कर लाऊं। सेपरेशन आवाज आ रहा है वीडियो का? यस यस यस, वीडियो का आवाज आ रहा है? वीडियो का मेरा नहीं, वीडियो आ रहा है। अच्छा क्या, अच्छा अभी वो क्या बोल रही है मुझे बताना। सेपरेशन बोला था, सेपरेशन बोला था। या फाइन गुड, तो वीडियो का आवाज आ रहा है तो वेल एंड गुड। तो टुडे फर्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू सी इज डीकैंटेशन। डीकैंटेशन, ये वर्ड सुना है कभी? नो नो नो। ठीक है, आपने स्कूल में कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है बचपन में बेटा कि नो नो बस सुन तो ले पहले, एक ग्लास लेने का, उसके अंदर पानी भरने का और उसके अंदर मुट्ठी भर के मिट्टी डाल देने का, मिट्टी, ठीक है, मड, और उस ग्लास को यू शुड कीप इट स्टैंड स्टिल, उसको अपने विंडो पेन पे या फिर घर पे किसी कोने में रख देने का और बहुत देर बाद देखने का। आप क्या देखेंगे, सारी मिट्टी नीचे बैठ गई है और साफ पानी ऊपर आ गया है। ये देखा है कभी किसी ने? किया है कभी? नो, जिसने नहीं सुना है ना बेटा, तुमने जिंदगी में कुछ नहीं किया, राइट? यू शुड डू दिस। तो दिस वॉज अ वेरी बेसिक एक्सपेरिमेंट विच आई माई सेल्फ डिड व्हेन आई वॉज इन थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड, सो यू तो मस्ट हैव डन इट ओनली। So that is called as decantation, the automatic settling of heavier particles in a liquid solution. But can we separate all the mixtures by the process of decantation? No, we cannot. Let us perform an activity to understand this. So let us see an activity. Take fresh. What is Kekane doing? Kekane, tumhara naam kya hai beta? Yash. Yash. Yash Kekane. Theek hai. So Yash is trying to make tea. Okay. Now Yash is making tea. तो यश मुझे बताओ चाय बनाने में क्या क्या लगता है बेटा अपने को? चाय पाउडर, शक्कर, चाय पत्ती, शक्कर, अदरक एंड
बाकी सब बोल दिया बेटा, पानी सबसे पहले पानी, राइट। पहले हम लोग पानी बॉईल करते हैं, फिर उसमें चाय पत्ती डालते हैं, फिर जागोरे 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 ऐसा गाना गाते हैं, राइट। तो ये जो अभी यश बना रहा है, यश चाय बना रहा है बेटा, ठीक है। तो अभी यश चाय बना रहा है, तो ये जब चाय बन जाएगी बेटा, ये यश क्या करेगा, इसको इसको कप में पोर करेगा, राइट। यस, डायरेक्टली पोर करेगा बेटा? नो, नहीं। क्यों? उसमें पार्टिकल है, उसमें पार्टिकल है। कौन सा पार्टिकल है? चाय पत्ती पाउडर का। टी, चाय पत्ती, वेरी गुड। प्रिपेयर टी, डीकैंट, ये देखो डीकैंट टी। अभी अगर ये चाय पिया अपुन ने, ये चाय पिया, ठीक है, इसने ये डाल दिया, यश ने क्या बोला, यश को ना बहुत गाय थी एंड एमबीसी सर बहुत जिद कर रहे थे कि जल्दी जल्दी चाय लेके आ, यश इज डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब एट जीनियस एकेडमी, ठीक है। सो ये चाय फटाफट बना करके इसने ऐसे ही पोर कर लिया इसको, ठीक है। तो वो कप में थोड़ी देर के बाद क्या होगा, सारा पानी ऊपर रह जाएगा और टी लीव्स जो है वो नीचे बैठ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड एज डीकैंटेशन प्रोसेस, राइट बेटा? अच्छा, यस। नाउ व्हेन ही गोस टू एमबीसी सर एंड ही गिव्स दिस कप ऑफ टी एंड एमबीसी सर स्टार्ट्स ड्रिंकिंग दिस टी, इट्स अ ब्लैक टी बेटा, ठीक है, इट्स गुड फॉर हेल्थ। तो ये चाय पीने लगेंगे, थोड़ी देर बाद उनको कुछ अजीब सा लगेगा, वो अजीब सा क्या होगा बेटा, वो पाउडर, पाउडर, पार्टिकल, यस। चाय पत्ती के जो दाने होंगे ना वो सर के मुंह में आ जाएंगे एंड फिर सर उसको थूकने लगेंगे इधर उधर, और थूकेंगे तो क्या फैलेगा बेटा, कोरोना। ओह माय गॉड, कोरोना नहीं, चाय पत्ती के दाने फैलेंगे ना यार, चाय पत्ती फेंकेंगे तो, ठीक है ना। तो इसीलिए दिस इज नॉट डिजायरस, मतलब डिकैंटेशन से भले हमने उसको सेपरेट कर लिया है बट उसका अल्टीमेट यूज में वो काम आया क्या? नो, नो। सो व्हाट इज द, व्हाट इज द बेटर वे टू सेपरेट आउट दीज टू थिंग्स? फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन, एक्सीलेंट, फिल्ट्रेशन। व्हाट डू यू सी? सी गरम गरम चाय, यू विल सी। Should I, इसका इसका वॉल्यूम बंद कर दूं क्या मैं? No. अभी नहीं आ रहा ना आपको आवाज इसका? No. ठीक है, तो अभी क्या है, ये टी लीव्स यहाँ पे हैं, राइट बेटा? तो वी कैन नॉट सेपरेट ऑल मिक्सचर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिकैंटेशन। दिस इज व्हाट वी हैव डिड्यूस्ड बाय दिस सिंपल एंड स्मॉल एक्सपेरिमेंट इन अवर डे टू डे लाइफ। द फर्स्ट थिंग विच वी डू इन अवर लाइफ इज मेकिंग टी, राइट बेटा? सो अभी ये डिकेंटेशन से ये टी लीव्स अलग नहीं हुए, तो व्हाट वी आर सपोज्ड टू यूज अ छन्नी। ये बेटा, यू नो व्हाट इज अ छन्नी? यस, दिस इज अ छन्नी, दिस यस। अच्छा, टेल मी वन थिंग, व्हेन आई एम मूविंग माय कर्सर इज माय वॉइस ब्रेकिंग अगेन? नो। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ, फाइन। सो नाउ मैक, क्या मैकबुक, MacBook Pro, iPhone, ये देखो आया हुआ Apple. What are we doing this? ये क्या हुआ अभी यहाँ पे? ओ, उसके ऊपर टी पार्टिकल छन्नी के ऊपर रह गया और नीचे बड़े बड़े पार्टिकल ऊपर रह गया। तो ये जो है ना बेटा, ये फिल्टर है और ये जो होगा, ये जो टी लीव्स रहेंगे, ये इसका फिल्ट्रेट है और ये अपना फिल्टर्ड मिक्सचर है। ये जो नीचे आया है ना, ये अपना फिल्टर्ड मिक्सचर है। अभी अगर ये चाय एमबीसी सर को देंगे तो सर पियेंगे अच्छे से? Yes. और यश को 5 मार्क्स एक्स्ट्रा फॉर मेकिंग गुड टी। ओके, यस, वेरी गुड यश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, तुमने बहुत अच्छा चाय बनाया बेटा। थैंक यू सर। ये आपका टी है, ये आपका स्ट्रेनर है और ये हमारी चाय बन रही है। ये हमारी चाय बन रही है, वेरी गुड बेटा। So the process of separation of a mixture with the help of a strainer or a filter slash filter paper is called as filtration. ये लिख लें आप, please लिखें जल्दी, लिख लिया? Yes. Sir, wait. No. Okay. ये yes किसने बोला? Yes sir, हो गया। अच्छा, शुभम ने बोला। हो गया सर, लिख। हाँ, सुना मैंने सर। अच्छा, सब लोग का हो गया? नहीं हुआ। क्या बेटा, उसको सजा रही हो क्या नीले लाल पेन से? पेज नहीं मिल, पेज नहीं मिल रहा है। ओह माय गॉड, राइट इट इन अ बुक बेटा, डोंट राइट इट ऑन पेजेस। नहीं, बुक में पेज नहीं मिल रहा।
हे प्रभु, बुक में पेज नहीं मिले, एक अलग बुक बना लेती बच्ची। नहीं सर, वो पहले न्यूक्लियर केमिस्ट्री लिखा तो बीच में। आई अंडरस्टैंड बच्चे, आई नो बच्चे, यू आर वेरी सिंसियर स्टूडेंट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिलैक्स यू। ठीक है, एक काम करो ना बेटा, एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन वी कैन कंटिन्यू। लेकिन ये लैपटॉप से ज्वाइन हुई है कि पता नहीं इससे ज्वाइन हुई। बाकी सबने लिख लिया? गौरव, गिरीश, सर ये लेसन जेईई में आता है? आलोक क्या बोल रहे बेटा, ये लेसन जेईई में आता है? दिस इज लाइक द फर्स्ट पोर्शन, अभी इसमें आएगा, डेफिनेटली आएगा, इसका एडवांस पोर्शन थोड़ा बहुत इसमें से पूछ सकते हैं, बट जो भी आएगा इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। ठीक है, नॉट दिस, फिल्ट्रेशन इज द वेरी बेसिक पार्ट बेटा शुभम, अभी हम लोग आगे जब देखेंगे ना फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन वगैरह, उसका थोड़ा सा पार्ट आएगा। ठीक है, चलो शारन, आई एम गोइंग अहेड बेटा, तुम्हारा माइक। हाँ ओके ओके बेटा, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज योर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, अच्छा अभी लेट अस डू एन एक्टिविटी टू लर्न अबाउट दिस प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। मैं इसकी आवाज बढ़ा देता हूँ। Take soil and water mixture. जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था, ओके, वी आर टेकिंग सॉइल एंड वॉटर मिक्सचर। ठीक है, कॉटन क्लॉथ लिया, ग्लास बीकर में उसको बांध दिया, तो यश इज हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड फिल्ट्रेशन अगेन थ्रू द क्लॉथ। नाउ यू आर पोरिंग द वॉटर का मिक्सचर, मड का मिक्सचर थ्रू द क्लॉथ। व्हाट इज हैपनिंग बेटा, सारी मड जो है, सारी मिट्टी जो है और साफ पानी बीकर में गया, तो ये साफ पानी इसमें आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ जाएगा, मैं आ जाऊंगा बैंक। क्या बोलते हैं, नाउ हाउ इज दिस हैपनिंग, इसका ना थोड़ा मैक्रो वर्जन, उसका जूम्ड वर्जन आपको बाजू में यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो व्हाइट ये है ना, ये कपड़े हैं, ये जो ब्राउन है ये मिट्टी है, और ये जो कलरलेस है ये क्या है, पानी है, पानी है। अच्छा, अभी ये जो है ना, ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं अपन पोर्स। क्या बोलते हैं बेटा अपन? पोर्स। ठीक है, तो ये पोर्स में से ना ये जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं बेटा, और पानी के मॉलिक्यूल्स छोटे होते हैं, तो वाटर विल इजीली पास थ्रू इट, एंड वाटर बीइंग फ्लूइड इट विल फ्लो, बट मिट्टी और मड इज सॉलिड, सो इट विल गेट ब्लॉक्ड बाय द पोर्स। ओके, यू विल ऑब्जर्व दैट सॉइल पार्टिकल्स रिमेंड इन द क्लॉथ। इजीयर ना बेटा टू अंडरस्टैंड दिस वे थ्रू वीडियो? यस Yes. And gets collected in the second beaker. So water is being getting collected. This is because cotton cloth acts as cotton cloth is acting as a filter. अभी इसकी जगह filter paper भी लिया ना बेटा, तो वो भी वही काम करता। ठीक है बेटा? Acts as a filter. Why will it act as a filter? Because it has got pores. Small holes or pores are there in between the woven threads. आजो, pores है pores. It is actually these small pores that act as a filter. The soil particles are bigger in size than soil particles, these pores. As I just explained you, so this, so I'm just making you listen to the video. Huh? These pores and remain in the cloth, while water molecules being smaller than the pore size of the cloth, you can hear this woman pass through the cloth. Thus, by using a filter, we can separate out components of a mixture. We have learned that clothes act as a filter. Oh. Apart from clothes, a filter paper is another type of filter that has very fine pores in it. ये देखो. Let us learn. कपड़े के अंदर तो फिर भी बड़े pores रहते हैं, but filter paper के अंदर तो और छोटा-छोटा pores रहता है. A filter paper is folded in the form of a cone. Cone. Filter paper देखा है किसी ने? This folded filter paper is fixed onto a funnel. Yes. The mixture to be separated is then poured on the filter paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. While the liquid can easily pass through it and gets separated from the solid particles. In this way, we can filter liquid from a mixture using a filter paper. Okay, bache?
सर वो ब्लॉक नहीं हो जाएगा पानी, और ज्यादा हम लोग इम्प्योरिटीज रहेंगे तो उधर आके जम जाएगा. या अग्रीड, बट देन वी विल नेवर गेट अ 100% आउटपुट एनी टाइम्स. ठीक है बेटा, कभी भी 100% आउटपुट तो नहीं मिलेगा अपने को, है ना. तो ये जो वीडियो हमने अभी देखा उससे हमने क्या सीखा बेटा, हमने फिल्ट्रेशन के बारे में सीखा, राइट, कि हम लोग या तो एक कॉटन क्लॉथ यूज करके या फिर फिल्टर पेपर यूज करके जिसके अंदर पोर्स होता है, पोर्स आर स्मॉल इनफ टू ब्लॉक द सॉलिड इम्प्योरिटीज एंड अलाउ द लिक्विड वॉटर और द सोल्यूशन टू पास थ्रू इट, एंड दिस इज हाउ यू कैन सेपरेट आउट अ मिक्सचर एंड इट्स कंपोनेंट्स. ओके गाइस. अभी ये जो आपने देखा ना, दिस वॉज नथिंग न्यू. ये तो अगर आप स्कूल नहीं भी जाते ना जिंदगी में तो भी आपको पता चल जाता क्या हो रहा है ये. ठीक है, नाउ समथिंग, नाउ द नेक्स्ट वीडियो विच वी आर गोइंग टू सी इज, उसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज फिल्ट्रेशन अंडर वैक्यूम. हम लोग लेबोरेटरी में, हम लोग इंडस्ट्री में फिल्ट्रेशन को फास्ट कैसे कर सकते हैं. ये फिल्ट्रेशन जो हमने किया एक ग्लास, एक छोटा सा वेसल होम या फिर लैब इसके तरीके से किया, राइट. अब फैक्ट्रीज में या फिर प्रोडक्शन में फिल्ट्रेशन थोड़ी बीकर या फिर ग्लास में होगा, वहां तो बड़े बड़े टम्बलर्स, बड़े बड़े फिल्टर्स होते हैं, राइट. तो उसके अंदर फिल्ट्रेशन फास्ट होना चाहिए. सो जस्ट टू मेक दिस फिल्ट्रेशन प्रोसेस फास्टर, वी आर गोइंग टू यूज द हेल्प ऑफ वैक्यूम. वी आर गोइंग टू यूज समथिंग कॉल्ड एज अ बचनर फनल, समथिंग न्यू विच यू गोइंग टू सी एंड स्टडी. बचनर फनल, यू गोइंग टू सी फिल्टर पेपर एंड ऑल. ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है. Now this is not an animated video which we are going to see next. It is an actual video which consists of foreign scientists who are explaining you. ठीक है, starting में I will let the volume be so that you can listen to them. Other and the going ahead I am going to speak about it. Okay guys? Yes. Yes. So I hope you all are क्या बोलते following this whatever we are doing. हाँ. आते ही क्यों? No. Who said no? केदार, केदार सर वैक्यूम कैसे बनता है? क्या बोला बेटा? वैक्यूम कैसे बनता है? वैक्यूम कैसे बनता है बेटा? वैक्यूम अगर आप किसी भी क्या बोलते हैं क्लोज्ड एरिया से पूरा एयर निकाल दोगे, सक्शन करके उसको पंप आउट कर दोगे तो वैक्यूम बन जाएगा. यस यस. ये क्या? ठीक है, ये वो नो किसने बोला? किसको समझ में नहीं आ रहा है? प्लीज मुझे बोलो ना बेटा, मैं टेंशन आ जाता है तुम ऐसा करते हो तो, बोलते हो तो मुझे बुरा लगा. Martina. So we're going to see experiment conducted by Martina, Blair and Bridget. In this video, we are going to show you how to carry out a vacuum filtration. Vacuum filtration. So Martina is going to help us to carry out vacuum filtration. Vacuum filtration is this is the setup for a vacuum filtration in your laboratory. Now I was talking about Buchner funnel. Hey, beta, normal funnel देखा है तुम लोग ने? Yes. Glass. Yes. Glass का funnel देता है. This is a Buchner funnel which is made out of porcelain and has a rubber cork. Okay, so this is a Buchner funnel. This is your normal flask jiske andar main mera solution ko ye karega. Is Buchner funnel ke andar usne filter paper lagaya hai. Theek hai, this is the solution jisko mujhe filter karna hai. This pipe which you can see, sabko dikh raha hai na? Yes. Yes. This pipe is connected to vacuum. ये पाइप जब मैं उसका जिस एंड से इस सक्शन में ऑन कर दूंगा तो इसके अंदर सारा एयर खत्म ले जाएगा वो. इसके अंदर सारा एयर निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा? वैक्यूम. वैक्यूम. थोड़ा बहुत एयर भी बचेगा थोड़ा. अरे हाँ बच्चे, गाइस स्टॉप लिविंग इन अ परफेक्ट वर्ल्ड. ठीक है, नथिंग इज परफेक्ट. यस यस मेरे प्यारे बच्चों. yes. आइडियल कंडीशन सिर्फ अज्यूम करने का बेटा. ठीक है. अच्छा अच्छा ओके. एंड अब जब यहाँ पे बच्चे वैक्यूम बन जाएगा अंदर, तो वैक्यूम में चीजें फास्ट मूव होती हैं कि स्लो मूव होती हैं? स्लो. इसको देखो,
स्लो मूविंग फास्ट होता है ये कौन है जो ऐसे बात कर रहा है तेजस है क्या स्लो ही मूव होते हैं ना अरे बेटा वैक्यूम में थिंग्स मूव फास्टर राइट देयर इज नो मीडियम देयर इज नो हिंड्रेंस देयर इज नो फ्रिक्शन यस 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 हाइपरलूप का कांसेप्ट समझा है तुमने कौन सा हाइपरलूप जो पुणे और मुंबई के बीच में पड़ने वाले यस यस समझा समझा आने वाले सर वो झूठ है देखना पड़ेगा अच्छा ये हाइपरलूप पता है सर कोई बात ठीक है लेट कैन आई प्ले दिस बेटा व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग टू मी प्लीज स्विच ऑन योर माइक स्विच ऑफ योर माइक आई थिंक श्रद्धा शारन आपका माइक ऑन है बेटा नहीं सर चलो कोई बात नहीं जिसका भी था वो ऑफ कर लो बेटे उसको कैन यू सी दिस बेटा व्हाट इज हैपनिंग मैं पिंक कलर सॉरी क्या नाम था इसका क्या मिजेट या स्कारलेट या जो भी नाम था इसका ये देवी क्या कर रही हैं ये एक पिंक कलर का सॉल्यूशन अंदर डाल रही हैं एंड यू कैन यू सी अ प्योर व्हाइट सॉल्यूशन कमिंग आउट ऑफ इट पिंक वैक्यूम दिख रहा है यस 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 दिस इज जनरली यूज्ड टू कलेक्ट अ सॉलिड प्रोडक्ट दिस इज हाउ वैक्यूम फिल्ट्रेशन इज कैरी अब इसका सेट इक्विपमेंट यू विल नीड टू कैरी आउट दिस फिल्ट्रेशन दिस इज अ बुशनर फ्लास्क Sometimes this called vacuum flask. Buchner flask or vacuum flask. ये normal flask से अलग कैसे है? आशुतोष बताओगे मुझे? आशुतोष मिश्रा? बेटा मैं जिससे पूछूं से वही बोलो हाँ please. Yes sir. आशुतोष बच्चे, आप मुझे बताओगे normal flask और Buchner flask या फिर vacuum flask में तुमको क्या difference दिख रहा है? आपके सामने मैंने Buchner flask दिया है. या सर वहाँ पे connection है जहाँ पे हम लोग वो सिर्फ नाम अलग दे रखा है बाकी चीज वही है ठीक है ना यस सर अच्छा यू विल आल्सो नीड अ क्लैंप यू विल नीड अ क्लैंप उसको होल्ड करने के लिए You will need a vacuum hose to create the vacuum, connect करने के लिए. Securely clamp the flask to the workbench okay. or a retort stand. So finally, you are seeing some practicals also. Connect the vacuum hose to the short tube on the flask. You are connecting this to the vacuum hose. Connect the other end of this the hose to a vacuum source. This is the vacuum source. Which will generally be a vacuum tap or an aspirator. Forget about this. Vacuum कैसे create करते हैं वो? To carry out the vacuum filtration, you will also need a Buchner funnel and filter paper. So this is, these are the two sizes of Buchner funnel. ये छोटा है, ये बड़ा है. Similarly, इसके circumference के हिसाब से ये इसका filter paper है और ये इसका filter paper है. ठीक है? Filter paper को काट के मैं कोई भी shape में convert कर सकता हूँ बेटा. तो ये मत बोलना कि ये circular वाला कहाँ मिलता है. ठीक है? As the Buchner funnels come in different sizes, you देखो, must check. Buchner funnel के अंदर ऐसा pores already है और उसके अंदर हम लोग filter paper डाल रहे हैं. By using the right size of filter paper for your funnel, the filter paper should fit snugly on the bottom of the funnel, covering all of the holes. Okay. So what's happening is your filter paper, you are putting it in this Buchner funnel. ठीक है, बेटा ये सारे words आपके textbook में हैं हाँ, तो आप tension मत लेना कि ये क्या नए-नए words हम लोग सीख रहे हैं, okay? So ये filter paper जो है, ये exactly जो Buchner funnel के अंदर holes हैं, उन सबको cover करना चाहिए. अब मैं सूखा-सूखा filter paper इसके अंदर डालूँगा ना, तो ये थोड़ा उड़ता रहेगा, है ना बेटा? Am I connected? Yes. अभी देखो बच्चे. अब मैंने सिर्फ फिल्टर पेपर इसके अंदर रखा तो जब मैं इसके अंदर फिल्टर डालूंगा तो ये थोड़ा बहुत मूव होगा ना बिकॉज ये सूखा ड्राई पेपर है तो प्रॉपरली फिट करने के लिए ना मैं डिस्टिल्ड वाटर इसके ऊपर पोर करूंगा ताकि ये चिपक जाए इससे ठीक है यस यस टू क्रिएट अ वैक्यूम सील विद अ बुचनर फ्लास्क यू मस्ट फिट अ रबर कोन टू द अभी हम लोग ये रबर कोन यूज कर रहे हैं इसका रीजन क्या है कि जो तो, क्या बोलते हैं एयर अंदर उसके जाना नहीं चाहिए मैं एक तरफ से उसमें वैक्यूम क्रिएट कर रहा हूं और अगर यहां से अभी देखो ये अगर ये नहीं लगाया होता तो साइड से एयर जाने की पॉसिबिलिटी है राइट रियल कंडीशन पर ज़ूम करो यहां पे यस राइट यस थोड़ा बहुत जो एयर ऊपर से अंदर जा सकता है उसको भी
रोकने के लिए मैं ये रबर कोन लगा देता हूँ ताकि उसको पूरी तरीके से मैं सील कर सकूं। ए बेटा दम बिरयानी बनाई है कभी? यस। हाँ किसने बनाई है बेटा? मैंने। ये मैं कौन है? Who is this मैं? अपना नाम लो बेटा। नहीं पता, होशियारी मारने का बस। तो दम बिरयानी में क्या करते हैं बेटा, वो बर्तन को आटा लगाते हैं, पता है? अच्छा नहीं सर। यस सर। अच्छा तो कोई बात नहीं बेटा, हम लोग सिर्फ खाने करेंगे, ठीक है? तो उसी तरीके से हम लोग इसको ब्लॉक कर देंगे ताकि ऊपर से कोई भी एयर ना जाए और क्या बोलते हैं उसका वैक्यूम स्ट्रॉन्ग रहे। Insert the Büchner funnel into the mouth of the Büchner flask. अभी क्या किया इसने? ये अभी देखो बेटा, अगर ये रबर कॉक नहीं लगाया होता, सिर्फ इसको डाला होता तो भी ये काम करता, बट यहाँ आजू बाजू से इस गैप के थ्रू एयर निकल जाता, इसलिए मैंने ये लगाया। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग। आई कैन सी सम हैंड। यस, इवन इफ यू आर नॉट रिप्लाइंग टू मी, आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। चारकोल भी यूज किया जा सकता है ना हाई वैक्यूम के लिए? क्या बोल रहा है बेटा? चारकोल। चारकोल क्या करता है बेटा? हाई वैक्यूम के लिए यूज। अ गुड एड्सॉर्ब, इट इज अ गुड एड्सॉर्बेंट। वो गैसेस को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब करता है। अग्रीड, उसको हाई वैक्यूम यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे। रीजन बीइंग कि उसको अंदर डालेंगे तो जो मेरा प्योर सॉल्यूशन निकलेगा वो उसके साथ मिक्स हो जाएगा, फिर से इंप्योर हो जाएगा, इसलिए। ठीक है? Fit may initially be loose, but as the vacuum is applied, the seal will form. Add the correct size filter paper. फिल्टर पेपर डाल दिया उसके अंदर। फिल्ट्रेशन, वैक्यूम चालू कर देना। Turn on the vacuum. Wet the filter paper with the fluid you're filtering to ensure the filter paper sits in the correct position. Did you understand this point? What did madam say? Yes. Yes. I just explained you. क्योंकि वो सूखा पेपर रहेगा तो जो वाटर पोर किया है, जो मेरा प्योर सॉल्यूशन मैं फिल्टर आउट कर रहा हूँ उसी लिक्विड से मुझे इसको वेट करना है ताकि वो प्रॉपरली उस पे बैठ जाए। Here we are using distilled water. ये देखो, फिट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं क्या करूंगा? फिल्ट्रेशन स्टार्ट करूंगा। Put into the Büchner ये देखो funnel. बेटा वो स्पीड देख रहे हो तुम नीचे सॉल्यूशन आने की? Yes. तुमको पता है अगर यहाँ पे वैक्यूम नहीं क्रिएट हुआ होता तो ये इतनी फास्ट नीचे नहीं आता। Yes. Yes. अगर मैं नॉर्मली इसको फिल्टर करता तो ये इतनी फास्ट नीचे नहीं आता। देखो ऊपर से गुलाबी गुलाबी सॉल्यूशन जा रहा है, नीचे कलरलेस वाटर मेरे को मिल रहा है। The crude product has been collected in the funnel. Because often there are soluble impurities still attached to the solid, so the product may need to be washed to remove these. ठीक है, washing and collecting the remove product. The vacuum hose. Vacuum hose निकाल देने की। Add your washing liquid to the funnel and mix the product with the liquid. What is she doing? She's doing this washing liquid which is adding. थोड़ा बहुत भी जो डिसॉल्व पार्ट रहेगा तो वो भी उसमें से निकल जाएगा। अब ये जो इसके अंदर सॉल्ट या फिर जो भी डिसॉल्व किया था ये सेपरेट आउट हो गया है। वैक्यूम टू द बुशनर फ्लास्क एंड स्मूथ आउट द सॉलिड इन द फनल। डिड यू सी दिस? व्हाट डिड हैपन? व्हाट डिड शी डू? जो भी थोड़ा बहुत मिक्स्ड इंप्योरिटीज था उसके अंदर मैंने एक और मिक्सिंग सॉलिड मिक्सिंग लिक्विड उसके अंदर डाल दिया तो वो क्या हो गया, वो अनमिक्स हो गया और फिर से मैंने वैक्यूम लगाया, उसको फिर से फिल्टर आउट किया और जो रिमेनिंग लिक्विड था वो भी नीचे आ गया। इतना डिटेल में अपने को करना नहीं है, लेकिन बता सर। बेटा बोलो बोलो सर। फिल्ट्रेशन से बताओ ना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आप कौन हो? पीयूष। पीयूष, पीयूष ढोकले। यस। हाय बेटा। हाय सर। अच्छा कहां से डिस्कनेक्ट हो गए थे बताओ? सर फिल्ट्रेशन के थोड़े से पहले से। ये आप बता दो, आप बता दो। यहाँ से ये देखा था फिल्ट्रेशन का, वो ये देख लिया था? नहीं नहीं, ये इधर इसके थोड़े से पहले से। Add the correct size filter paper.
फिल्टर पेपर डालेंगे बस्टनर फनल में. एवरीबडी जस्ट लिसन टू द वुमन. हमने वैक्यूम चालू किया पीयूष, वैक्यूम चालू किया. फिल्टर पेपर को मैं क्या करेगा ना, जो लिक्विड है उससे मैं इसको वेट करेगा ताकि जो सूखा फिल्टर पेपर है, ड्राई पेपर है, वो प्रॉपरली उसके ऊपर सेट हो जाए. ठीक है? यस. द फिल्टर पेपर सिट्स इन द करेक्ट पोजीशन. नाउ सी, इट इज सेटिंग इन द प्रॉपर पोजीशन एंड देन वी विल स्टार्ट फिल्ट्रेशन, ताकि कोई इंप्योरिटी अंदर जाए ना, कोई उसके अंदर जो मिक्स है वो अंदर जाना नहीं चाहिए साइड से. इमीडिएटली पोर द फ्लूइड इनटू द बुशनर. कितना फास्ट उससे स्पीड से वो फिल्टर हो रहा है और ये सॉल्यूशन में डाल रहा हूं, तो सारा जो इम्प्योरिटीज है या फिर जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएगा और प्योर सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट मुझे नीचे मिल जाएगा. वैक्यूम का क्या यूज? वैक्यूम का यूज ये है, यहाँ पे वैक्यूम लगाने से ये जो फिल्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्पीड अप हो गया, फास्ट हो गया. ठीक है? यस. Washed to remove these. This is okay. You can skip. Remove the vacuum hose and mix the product. Okay. So guys, mota moti, did you understand what is filtration under vacuum? Generally. Yes, sir. Yes, sir. Yes. But in this example, the impurities are a different color to the product. Dusra solution bhi. So the effect of washing can be clearly seen. Ready for collect can either be removed फिर इसको देखो, filter paper, हम लोग ऐसे scrape out करके निकाल सकते हैं. Dry can be scraped off the filter paper. जो filtrate आया है अपने पास उसको मैंने क्या किया, filter paper से निकाल दिया. या तो मैं गीला filter paper निकाल करके बाहर उसको separate out करूं, या फिर उसको धूप में सुखाने के लिए रख दूं, फिर वो सूख जाएगा तो उसको scrap off कर दूं, जैसे ये कर रही है दीदी यहाँ पे. ठीक है? फिर इसको दो लेने का, देखो कैसा मस्त हुआ है फिल्टर पेपर एकदम. थोड़ा बुझाएगी हो? यस गाइस, समझा सब लोग को? यस यस. व्हाट इज फिल्ट्रेशन अंडर वैक्यूम? यस यस. अच्छा अच्छा अच्छा. नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी शुड सी is वैक्यूम फिल्ट्रेशन हो गया. अब हम लोग पहले डिस्टिलेशन देखेंगे, सिंपल डिस्टिलेशन देखेंगे. ए बेटा, डिस्टिलेशन वर्ड सुना है कभी जिंदगी में? यस यस. कब सुना है बेटा? एट्थ में सुना. एट सुना था, टेंथ के पहले. टेंथ के पहले? कोई मुझे छोटे में बता सकता है डिस्टिलेशन होता क्या है? सर उसको फिल्टर करते हैं. ये देखो, वो तो फिल्ट्रेशन में देखा ना शारन हमने. पहले हीट करते हैं, पहले हीट करते हैं, फिर कंडेंसर लगाते हैं उसको. हाँ, उसके बाद वेपर बनता है, फिर कंडेंसर से लिक्विड बनता है और फिर वापस लिक्विड मिलता है. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. दिस इज करेक्ट. फ्लक्स कनेक्ट करते कंडेंसर से. ओके, उसके अंदर से. शुभम एंड योर पॉइंट्स, योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस. शुभम डिस्कनेक्ट हो गया है शायद, कोई बात नहीं. पीयूष आप हो? यस सर. हाँ, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू डिस्टिलेशन के बारे में? सर लिक्विड को बॉइल किया जाता है, लिक्विड को वेपर में बना जाता है, फिर कंडेंस कर दिया जाता है, फिर लिक्विड बना देते हैं. हां, यू आर राइट बेटे. ये एक सिंगल लिक्विड होता है क्या पीयूष? व्हाट? क्या मिक्सचर रहता है सर? मिक्सचर मिक्सचर रहता है. ये किसका मिक्सचर रहता है आशुतोष मिश्रा जी? सर क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल का? आशुतोष, टू और मोर रहेगा तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे बच्चे. दो रहता है, सिर्फ दो इसके लिए रहता है. कोई बात नहीं बेटा, आई नो इट कैन बी कंफ्यूजिंग बट आई एम क्लियरिंग इट आउट. सिर्फ कोई दो मिक्सचर रहेगा ना बच्चे, तो हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन यूज करेंगे. ओके ओके.
चलो अब ये समझाने के लिए मैं आशुतोष का ही एग्जांपल लूंगा, मैं इसमें थोड़ा वॉइस रहने दूंगा बिकॉज़ आई वांट यू टू हैव सम फन आल्सो, यू नो आई एम द कूलेस्ट टीचर राइट? यो हु सेड नो 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 टॉपिक फॉर ये शुभम ही होगा, शुभम तू क्लास चालू रहने दे बेटा, तेरे को इतना पीटूंगा ना कि बस पूछ मत। ओके सिंपल डिस्टिलेशन बोला मैंने कुछ भी, कोई बात नहीं बेटा फिर भी मारूंगा मैं तुमको। अच्छा ये अभी अच्छा दिस बॉय लेट अस नेम हिम आशुतोष ओनली, ठीक है बेटा आशुतोष ये तुम हो और तुम ही हमको सिखाओगे कि डिस्टिलेशन क्या होता है। तो सिंपल डिस्टिलेशन का इसका ना एक छोटा सा स्टोरी है, इसका एक छोटा सा स्टोरी है। तो आशुतोष की स्टोरी है ये, आशुतोष एक बहुत ही आलसी लड़का है। तो आशुतोष अभी स्टोरी में क्या होता है, आशुतोष डिस्टिलेशन कैसे करेगा वो हम देखने वाले हैं, ठीक है गाइस? आशुतोष कोई प्रॉब्लम नहीं ना बेटा, मैं तुम्हारा नाम यूज करूंगा सर? नो नो नो। अच्छा बेटा नो सर नो। अरे आशुतोष नो बोल रहा है तुमको क्या पंचायत भाई? A is simple distillation. म्यूजिक सुनाई आ रहा है? Yes. Yes, sir. Yeah. This is आशुतोष's house. आशुतोष यहाँ पे रहता है। खंबे पे। खंबा नहीं है लड़की, रुक जा सबर कर ले। ये देखो घर बना दिया मैंने उसके लिए, तो ये उसका रूम है। अभी आशुतोष आ गया यहाँ पे। आशुतोष को चश्मा पता नहीं, आई थिंक नहीं है, जहां तक मैं जानता हूँ आशुतोष को चश्मा नहीं है। तो आशुतोष को सपोज चश्मा है, तो आशुतोष ने चश्मा अपना साइड में रखा, उसको रूम में भेजा गया था पढ़ाई करने के लिए, बट आशुतोष क्या बोलता है, थोड़ी देर में सो जाता हूँ उसके बाद में पढ़ाई करता हूँ, ठीक है आशु? ओके सर। यस सर। तो आशुतोष ने क्या बोला कि मैं अलार्म लगा के सोता हूँ, बट आपको पता है ना अलार्म और इंसानों का कितना बड़ा ये होता है, उसको कम 10-15 बार स्नूज ना कर लो, उसको उसकी बेइज्जती ना कर लो, तब तक आपको चैन नहीं मिलता, राइट? तो आशुतोष ने क्या किया, अपने चश्मे स्टडी टेबल पे साइड टेबल पे रख के सोफा चेयर के ऊपर ऐसा उल्टा पोजीशन में लेट गया और खराटे लेने लग गया। एक घंटा हो गया, दो घंटा हो गया, दो घंटे बाद अलार्म बजा, आशुतोष को नींद पूरा नहीं हुआ। आशुतोष ने क्या किया, अलार्म को स्नूज कर दिया, एंड वाइल स्नूजिंग उसने इतना जोर से उसको मारा कि वो घड़ी गिर गई। वो घड़ी सिर्फ गिरी नहीं, वो घड़ी स्लिप होकर के नीचे वाले स्प्रिंग पे चली गई। अब सपोज ऐसे घर में रहोगे तो बेटा ऐसी हरकतें होनी है, ये स्प्रिंग पे बाउंस होके घड़ी ऊपर उछली, घड़ी ऊपर उछली। ऐसे वीडियोस देखे होंगे पता, लोग कनेक्ट करते हैं चीजों को गिराने के लिए वैसा। तो ऊपर गई घड़ी, गोल हुई, घड़ी किताबों पे गिरी, ठीक है, जो आशुतोष पढ़ता नहीं है, ठीक है, ये किताबों पे गिरी, ये नीचे आई। अब ये आशुतोष की गर्लफ्रेंड की फोटो के ऊपर गिरी और उसके जस्ट बाजू में उसका मेकअप का सामान रखा था, ठीक है। तो आशुतोष ने अपनी गर्लफ्रेंड को महंगे नेल पॉलिशेस और ये सब दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, घड़ी भारी है और नेल पॉलिश कांच की चीज है छोटी है, तो वो घड़ी लगी और क्या हुआ, नेल पॉलिश गिर गई आशुतोष के चश्मे पे। अब आशुतोष का चश्मा भी खराब हुआ, वो नेल पॉलिश भी वेस्ट हुई। तो चश्मा तो खराब हुआ वो ठीक है, अब नेल पॉलिश खराब होने की वजह से उसको जो गर्लफ्रेंड से मार पड़ेगी वो अलग, ठीक है। मैं जानता हूँ बेटा तुम मन ही मन मुस्कुरा रहे होगे आशुतोष, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, यू विल ऑलवेज बी सिंगल, आई नो दैट। ओके सो नाउ सी दिस, अभी आफ्टर सम टाइम दो घंटा सोने के बाद भी ये भाई साहब की पेट नींद नहीं भरी, तो ये उठा, ठीक है, ये उठा और इसको दिखता नहीं है, तो इसको चश्मा चाहिए। अभी इसने देखा कि भाई यहाँ तो एक्सीडेंट हो रखा है, अभी ये क्या करेगा, नॉर्मल इंडियन टेक्निक, सबसे पहले चीजों को फूंक मार के और हाथ से साफ करने का, हुआ तो ठीक वरना पैसा खर्चा करने का, राइट गाइस? यस यस, वी ऑल आर इंडियंस एंड वी ऑल डू दैट एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। अभी देखो इसने हाथ से साफ किया, इसने फूंक मारा, बट कुछ हुआ नहीं। तो अभी आशुतोष यूट्यूब करेगा, जो हम सब लोग करते हैं, आशुतोष क्या करेगा, यूट्यूब पे ढूंढेगा कि भाई मैं एक पेंट को, सॉरी मैं नेल पेंट को ग्लास पे से कैसे निकाल सकता हूं। अच्छा, इफ देयर इज एनी गर्ल हु इज अटेंटिव इन दिस लेक्चर, कैन यू गिव मी द कंपाउंड व्हिच इज यूजफुल इन रिमूविंग नेल पेंट? स्पिरिट। स्पिरिट क्या बेटा? स्पिरिट अल्कोहल। Spirit, alcohol, yes. Any other option? You're right. That can be used. Yes. Any other option? Thinner. Very good. Thinner. Thinner. किसने बोला बेटा? Srishti Mishra. Srishti Mishra. अच्छा, तुम आशुतोष की बहन हो बेटा? No sir.
कोई बात नहीं, वो भी मिश्रा है इसलिए पूछा मैंने, ठीक है। तो सृष्टि बच्चे, वो थिनर इज द कॉमन नेम, आपको पता है थिनर में कौन सा कंपाउंड होता है? सर इस टाइम पे याद नहीं आ रहा था, पर पढ़ा है मैंने। वेरी गुड वेरी गुड। उस कंपाउंड को पता है क्या बोलते हैं बेटा? एसीटोन। ये नाम सुना है आपने? यस सर। थिनर में से एक अलग सी खुशबू आती है, तुमको पता है? यस सर। बॉयज आप लोग को पता है? नहीं। पता भी होगा तो नहीं बोलोगे, बिकॉज पब्लिक फोरम में है ना। मुझे पता है, बिकॉज आई एम मैरिड, सो आई हेल्प माई वाइफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स। यू हैव टू हेल्प, अदरवाइज यू वोंट गेट फूड। फाइन। सो अभी क्या होगा, ये एसीटोन से साफ होगा, ठीक है, बट इसके पास ना, आशुतोष के पास ना एसीटोन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अभी देखो, इसने रुमाल से भी साफ किया, बट नो यूज। अभी वो अपने आप को कोस रहा है, मैंने क्यों नेल पेंट उसको किया। I need to remove this nail polish. Okay, Ashutosh is thinking how do I remove the nail polish? Ashutosh क्या करेगा? लैपटॉप लेके आएगा और यूट्यूब करेगा हाउ टू रिमूव नेल पॉलिश, है ना बेटा? हम सब लोग ये करते हैं ना? Yeah. सर, मैं गूगल करता हूँ। हाँ, गूगल यूट्यूब एक ही बात है बेटा, ठीक है। अपना गाइस यू आर एंजॉयिंग द वीडियो राइट? She's very cute. She is going to help us understand what is simple distillation. The process of heating a liquid mixture to form vapor and then cooling that vapor to get a liquid is called simple distillation. ये लिखा सबने? No. ये statement वही है जो मुझे Sharon और पीयूष ने बताया था। क्या बोला था बेटा? कि एक मिक्सर है, वो मिक्सचर किसका है? दो लिक्विड्स का है। दो लिक्विड्स को सेपरेट करना आसान होता है क्या बेटा फिल्टरिंग से? नो, बिकॉज दोनों पोर्स में से पास हो जाएगा और दोनों कलेक्ट हो जाएगा फिर से। तो फिल्ट्रेशन से हम दो लिक्विड्स को सेपरेट नहीं कर सकते, राइट? तो इसीलिए हम लोग डिस्टिलेशन यूज करते हैं। तो दो लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए, अच्छा कौन से दो लिक्विड्स? जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो, जिनको अगर मैं हीट दूं तो एक लिक्विड पहले बॉइल होके इवेपोरेट हो जाए और दूसरा को बॉइल होने को टाइम रहे। तो जो पहला वाला बॉइल होके इवेपोरेट हुआ है उसका मैं क्या करूंगा? उसको मैं दूसरे इसके अंदर कलेक्ट करूंगा बाय पासिंग इट थ्रू अ कंडेंसर। जो स्टीम इसके थ्रू पास होगी और उसको अगर मैं ठंडा कर दूं, तो स्टीम को ठंडा किया तो क्या बनता है बेटा? वाटर। ओके फाइन। वेपर को लिक्विड बनता है। वेपर को ठंडा किया तो क्या बनता है? लिक्विड बनता है। लिक्विड। सॉरी आई यूज द वर्ड स्टीम। लिक्विड मिलता है। यूज फॉर वाटर। या ठीक है, ये स्टेटमेंट लिख लिया सबने? यस। नो। यस। यस हो गया, हो गया, हो गया। हां स्क्रीनशॉट ले रहे हो बस, ठीक है। Distillation is used to purify a liquid by separating the components of a liquid mixture. So distillation is used to purify liquid by separating the components of a liquid mixture. अभी इसके दिमाग की बत्ती जली। तो वो लिखा तुमने? No. ये लिख लो बेटा। See, these are very simple statements which you can use in your exams to give you full marks. एकदम simple English है, simple language है, explanation absolutely correct है। आशुतोष लिख रहे हो ना, कि इमेजिन कर रहे हो कि मैंने कौन सी नेल पॉलिश गिफ्ट करी? नो सर, लिख रहा हूं। लेट रहा हूं? लिख रहा हूं, लिख रहा हूं। लेट के लिख सर, हो गया सर। ओके ओके ठीक है, हो गया सर। लेट्स गो। सो आशुतोष के दिमाग की बत्ती जली, अब वो अपने लेबोरेटरी में जाएगा। सोचो तुम ऐसे घर में रहते तो कितना मजा आता। अब आशुतोष कहाँ पे आ गया? लेबोरेटरी में आ गया, अ जायंट लेबोरेटरी। आई डोंट नो अबाउट यू, बट व्हेन आई वाज अ किड देयर वाज अ कार्टून कॉल्ड एज डेक्सटर्स लेबोरेटरी। यस यस, जिसके अंदर डेक्सटर होता था। ही वाज अ जीनियस चाइल्ड जिसने अपने घर के पीछे ही एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी बना के रखी थी। तो ये डेक्सटर की लेबोरेटरी है, ठीक है। उसकी एक सिस्टर भी थी। yes. तुम लोग ने किसी ने डेक्सटर्स लेबोरेटरी नहीं देखा? देखा है सर, बना है। You should watch good cartoons, beta. You should watch good cartoons. ठीक है, चलो कोई बात नहीं। Cartoons कौन से देखने हैं? हम बाद में देखेंगे। Let us see the activity to understand simple distillation.
टेक अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इन डिस्टिलेशन फ्लास्क. अच्छा, अब आप लोग सोचते रहेंगे कि अगर मेरे पास एसीटोन है तो मैं इसको वाटर के साथ क्यों लूंगा. अब यहाँ पे अज्यूम करो कि मेरे पास ऑलरेडी एसीटोन और वाटर का मिक्सचर है और उसको मुझे अलग करना है. ठीक है, तो इस एक्टिविटी में हमारे पास क्या है, वी हैव अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन जो दोनों ही लिक्विड हैं. मुझे क्या चाहिए, एसीटोन चाहिए. क्यों चाहिए, मुझे नेल पॉलिश रिमूव करना है गौरव के अपना आशुतोष के आशुतोष. तो अभी ये डेक्सटर्स के लेबोरेटरी में गया है और उसने सेटअप किया है. अब उस सेटअप में क्या क्या मेरे को रिक्वायर्ड है वो देखेंगे अपने. One is the mixture of acetone and water. The second is the distillation flask. बेटा distillation flask और normal flask में फर्क पता चल रहा है तुमको? Circumference round है नीचे का. Very good बेटा. This is a round bottom flask. ठीक है? This is a round bottom flask because इसका नीचे का portion round है. Second, इसके ऊपर इसके यहाँ पे एक side tube है जिसको हम connect करेंगे condenser से. Condenser से. अच्छा. This is the distillation flask. वो name कर रहा है. ये क्या है? Thermometer. Thermometer क्यों बेटा? Boiling point जानने के लिए. Temperature measure करने के. Thermometer सबको पता है क्या होता है? Yes. 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 Good. इसको naming कर दो. Thermometer. ये बहुत मस्ती करता है आशुतोष. आशुतोष तुम सच में मस्ती करते हो क्या? To a water condenser. Yes. Yes, बोल रहे नालेक. We are connecting this water condenser to the flask. What is a water condenser? A water condenser is an apparatus जिसमें if I pass any vapor, किसी भी substance का अगर मैं vapor pass करूंगा, condenser, इसमें पानी होने की वजह से इसका temperature low हो जाता है. हम ठंडा पानी इसमें से pass करते हैं. अब ठंडे पानी के contact में अगर vapor आएगा तो क्या हो जाएगा, वो liquid बन जाएगा. Liquid. ये सबको concept पता है? Yes. Yes. Very good. तो ये वाटर कंडेंसर मैंने किया. ये देखो, यहाँ से पानी अंदर जाएगा, यहाँ से पानी बाहर जाएगा. ये बेटा पानी बाहर निकालना जरूरी क्यों होता है? बिकॉज जब वो जो हीट होगा वेपर का, वो पानी अब्सॉर्ब कर लेगा. और अगर पानी गर्म हो गया और अगर मैं इसमें से वेपर पास करूंगा तो वेपर कंडेंस होगा. नो नो. ये गर्म पानी को बाहर निकाल के कंटिन्यूसली अंदर ठंडा पानी डालना. yes. Now, this video is also showing you that कभी भी अगर आप डायग्राम्स बनाओगे तो उसको नेमिंग करना बहुत जरूरी है बेटा. ठीक है, उसके मार्क्स होते हैं साइंस में. या आपने 10th में पढ़ा होगा, 11th में देखा होगा. 11th का तो नहीं पता, बट बोर्ड्स में पक्का इंपॉर्टेंट होगा ये. ठीक है बच्चे? Yes. 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 The condenser has cold water running through its jacket to keep the temperature cool. ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया था आपको. Keep a beaker at the outlet of the condenser. Why do I need to keep a beaker at the outlet, beta? Collect the liquid. Very good, smart students, man. आता काय करायचं? आता बर्नर ऑन करायचा. ये बेटा रियल लाइफ में बर्नर ऐसा ऑन मत करना, इट इज रिस्की. तुमने कभी एक्सपेरिमेंट्स करे नहीं इसलिए बता रहा. By keeping an eye on the thermometer. Thermometer में जैसे ही temperature hits 56 degrees Celsius, the boiling point of acetone is 56 degrees Celsius. What is the boiling point of water? 100 degrees Celsius. तो boiling point of acetone is 56 and water is 100. तो इन दोनों में से पहले कौन boil करेगा? Acetone. Very good. अच्छा, जैसे ही temperature 56 hit होता है, एसीटोन इवेपोरेट होना शुरू होगा. जब तक सारा एसीटोन इवेपोरेट नहीं हो जाता, टेम्परेचर कितना रहेगा बेटा? 56. हम लोग ने बचपन में पढ़ा है, जब तक पूरा पानी इवेपोरेट नहीं हो जाता, टेम्परेचर कितना रहता है? 100 डिग्री सेल्सियस. 100 डिग्री. चलो, वेरी गुड. एसीटोन स्टार्ट्स टू वेपराइज. एसीटोन विल स्टार्ट टू वेपराइज जैसे ही 56 डिग्री सेल्सियस होगा. ये देखो, एसीटोन वेपराइज होना शुरू हो गया. अभी देख बेटा, मैंने ना यहाँ पे स्टॉप कॉक लगाया हुआ है, तो ये जो वेपर्स हैं, ये यहाँ से तो बाहर नहीं जा सकते, राइट? यस. तो यहाँ ओपनिंग है, तो वेपर्स क्या होंगे, यहाँ से आएंगे. यस. और यहाँ पे भी मैंने कॉक लगाया, तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, तो ये यहाँ से पास होंगे. और यहाँ से पास होकर इसमें जा रहे हैं, ये कंडेंसिंग जैकेट में जा रहे हैं. यहाँ पे वो क्या बन जाएंगी? लिक्विड बन जाएंगी. लिक्विड. ये देखो, दीज आर एसीटोन वेपर्स. These
vapors condense in the water condenser. So these vapors. ये देखो. Music मस्त है, बोलो music बड़ा मस्त है. देखो. अब वापस से acetone मुझे मिल गया. ये पानी नहीं है बेटा, ये acetone है जो condense होके मुझे मिल रहा है. तुम लोग को समझ आया distillation कैसे हो रहा है? Yes. Yes. The condensed acetone gets collected in the beaker. ये देखो. Yes sir. अब आशुतोष क्या करेगा? आशुतोष बताओ तुम क्या करोगे बेटा? सर वो एसीटोन को लेके अपना वो मतलब पैक से वो नेल पॉलिश रिमूव करूंगा. वेरी गुड. और जो नेल पॉलिश खराब होगी उसका क्या करोगे बेटा तुम? फेंक दूंगा. तो गर्लफ्रेंड बोलेगी नया चाहिए, उसका क्या करोगे? छोड़ है, गर्लफ्रेंड है ही नहीं. शर्मा गया नालायक. ठीक है. When all the acetone vaporizes, water is only left in the flask. ठीक है, तो वो हीटर को बंद कर देने का, वरना पानी भी आ जाएगा उसमें. In this way, acetone and water get separated by simple distillation. ठीक है बेटा, यहाँ पे दो ही चीज मिक्स थे, राइट? अभी ट्रेजेडी देखना है इसकी. अभी इसने एसीटोन तो ले लिया, ठीक है. इम्पोर्टेंट नोट्स, यू हैव टू राइट दिस डाउन. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्रीज. ये एग्जांपल से आप एक्सप्लेन कर सकते हो सिंपल डिस्टिलेशन. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. As there is sufficient difference between their boiling points, these components can be separated by simple distillation. Simple distillation does not work properly when difference between two boiling points is less than 20. This is a very important point. Or to carry out. हाँ वो दिखाऊंगा, एक मिनट रुको बच्चे. To carry out simple distillation, अगर आपको simple distillation effective रखना है. किसी मतलब दो लिक्विड्स को अगर आपको सेपरेट आउट करना है तो उन दोनों लिक्विड्स के अंदर कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए. अगर उससे कम हुआ तो डिस्टिलेशन इफेक्टिव नहीं होगा और प्योर सॉल्यूशंस मुझे नहीं मिल पाएंगे, मिक्सचर ही मुझे सेपरेट आउट होके मिलेगा. ठीक है बेटा, तो दोनों ज्यादा होगा तो ज्यादा तो होना ही चाहिए, तभी तो काम करेगा बेटा डिस्टिलेशन. वही वो पॉइंट बता रहा है. ठीक है, डिफरेंस 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो हम लोग वो नहीं यूज करेंगे, बिकॉज फिर टेम्परेचर ज्यादा डिफरेंस. लेकिन अगर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो भी चलेगा बेटा, हम लोग तभी भी कर सकते हैं उसको. ठीक है, ठीक है गाइस. हाँ, तुम लोग को पीछे पड़ा लिखना है क्या? स्क्रीनशॉट लेना है? लिखना है सर, स्क्रीनशॉट नहीं. डिग्री सेल्सियस थर्ड पॉइंट लिख लो. चलो मैं चाय पी लेता हूँ, चाय खत्म हो गई, कोई बात. No. Done. There is sufficient difference between their boiling points. These components can be separated by simple less than 25 degrees. Do not get separated and purified completely. If we repeat this process multiple times, we will be able to separate these two components. However, as this is very time consuming, a special type of distillation. ये देखो. तो हेलो बॉस, व्हाट इज रॉन्ग विद यू? तो अभी जिनके बीच में 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस नहीं होता है और जिसमें एक से दो से ज्यादा मिक्सचर्स होते हैं, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. वेरी गुड. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ही कर पाएंगे. ये देखो आशुतोष आ गया. अभी ये क्या कर रहा है? एसीटोन यूज करके नेल पेंट निकाल रहा है. उसने नेल पेंट निकाल लिया पर वो भूल गया कि मेरा अलार्म फिर से बजेगा और अलार्म बज के गिरता है एंड चश्मे की हो जाती है टाइ टाइ की. ये देखो, दिस इज आशुतोष. आशुतोष इसका फोटो ले लो बेटा, तुम्हें काम आएगा. सर पीछे करो ना. ले लिया सर. ले लिया. वेरी गुड बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. नोट्स लिखा कि नहीं? नहीं.
क्या लिखा? हाँ ये लिख लो. Done. Guys, did you understand what is simple distillation by this video? Yes. 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 Did you enjoy the video? Yes. 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 Yes.